मुझे पता है और आप सभी मुझसे पूरी तरह सहमत होंगे, वे भिंडी ऐसी सब्जी है जो आप इसको कभी भी बना लो, किसी भी लंच में, डिनर में, या कोई आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, या आप शादी ब्याह में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, कोई भी ओकेजन है, तो भिंडी ऐसी सब्जी, आप इवन जर्नी में जा रहे हो वो भी भिंडी बना के ले जाएं, बहुत ही टेस्टी बढ़िया लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं स्टफ्ड भिंडी। जय जी ने शाकाहार सदा बाहर किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, भिंडियों का मौसम आ गया है और अभी बहुत ही अच्छी ताज़ी ताज़ी हरी हरी भिंडियाँ आ रही हैं, नरम नरम छोटी छोटी। तो आज हम बनाएंगे स्टफ भिंडी। इसके लिए हमने भिंडी को धोकर उसके ऊपरी और निचले जो सिर होते हैं उसको हटा लिया है और अब बीच में से इसमें हमने चीरा लगा के रख लिया है। तो ये सब मैंने करके रख लिया है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। तो ये जो दरदरा पीस कर हमने धनिया पाउडर तैयार किया हुआ है, एकदम बारीक नहीं पीसा हुआ है, घर में ही पीसकर तैयार किया है। और अब यहाँ पर हम लेते हैं हल्दी पाउडर। धनिया जो खड़ा मार्केट में आता है उसको हमने पीसा हुआ है घर में। अब हम लेते हैं भुनी हुई सौंफ और इसको भी हमने दरदरा पीस लिया है। तो ये जो भुनी हुई सौंफ होती है और धनिया पाउडर होता है स्टफिंग सब्जी में काफ़ी अच्छा स्वाद लाते हैं। और अब हम लेंगे भुना हुआ जीरा, इसको भी हमने दरदरा सा पीस लिया है। अब हम लेते हैं हींग, ये हींग बहुत अच्छा जो है इसके स्वाद को बढ़ाती है, लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और स्वाद के लिए। अब हम डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला और थोड़ा सा खटाई के लिए अमचूर पाउडर, आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने अमचूर पाउडर लिया हुआ है। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पर हम बेसन की जगह में यूज़ कर रहे हैं मिक्सचर का, तो ये जो मिक्सचर है इसकी जगह आप में बेसन को भूनकर भी डाल सकते हैं और नहीं तो किसी भी और भी कोई भी नमकीन यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर लिया हुआ है, इसको हमने पीस लिया है और ये जो मसाला हमने तैयार कर रहे थे स्टफिंग वाले में इसको मिक्स कर लिया है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी जो हमारा स्टफिंग है ये एकदम ड्राई है, तो जो फिल करने के बाद में और जब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं तो इधर उधर फैलती है स्टफिंग, तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से बाइंड हो सके और हमें भरने में भी आसानी हो और भरने के बाद भी इधर उधर ना बिखरे। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और आप यदि चाहें तो इसको नींबू के रस से भी गीला कर सकते हैं और भरने में इससे आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टफिंग है ये तैयार हो चुकी है स्टफिंग। अब हम इसको भिंडी में भरेंगे। तो भिंडी हमने जो पहले से चीरे लगा के रखी हुई हैं, तो अभी भिंडी के जो बीज है काफ़ी छोटे हैं तो इसलिए मैंने इन बीजों को नहीं हटाया है। आप चाहे तो भिंडी के जो बीज होते हैं उनको हटा भी सकते हैं। और इसके बाद हम सारे जो मसाला है इसको अच्छे से दबा दबा कर पूरी भिंडियों में भर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फुल भिंडी जो है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी भिंडियाँ नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको फुल भिंडी ही रखी है। यदि आप चाहें तो इसके दो दो पीसेस में या तीन तीन पीसेस में कट भी कर सकते हैं और चार चीरे लगा सकते हैं। पर ये जो एक चीरा लगाने के बाद में भिंडी स्टफ करने से बहुत आसानी हो जाती है। पहले आप भिंडियों को भर लें और उसके बाद में इसको कट लगा लें तो एकदम आसान है। क्योंकि यदि आप भिंडियों को पहले से कट लगा के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें फिर उसके बाद में चीरा लगाएंगे फिर उसके बाद भरेंगे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अब यहाँ पर आप आसानी से बड़ी बड़ी भिंडियों को फिल करें और ऊपर से उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी भिंडियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और अब बस हम इसको फ्राई करना है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है भिंडी, देखने में ही एकदम हरी और सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हम लेते हैं एक पैन में ऑयल और इसको गर्म होने के बाद में सारी भिंडियों को हम इसमें एक एक करके रखेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम भिंडियों को ऐसे ही डालेंगे। थोड़ा सा ये स्टफिंग वाली सब्जी है और भिंडी है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है, पर ये बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा सा बीच में हम इसको हिला लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे ही हिला लेंगे। और इसके बाद में अब ये जो भिंडियाँ हैं एक तरफ से सीख कर तैयार हो चुकी है तो इसको हम पलट लेते हैं। तो अलग कट कर ये इसको हर तरफ से हम सेक लेंगे और बस हमारी भिंडी की जो सब्जी है तैयार हो जाएगी, स्टफिंग वाली भिंडी जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और एकदम बनाना भी आसान है इसको। सारी भिंडियों को हमने पलट लिया है, अब इसको एक बार हिलाकर और वापस इसको ढक कर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए। तो ये जो भिंडी है बहुत अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है, 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और ये भिंडी एकदम तैयार हो गई है।
तो फ्रेंड्स ये जो स्टफ्ड भिंडी है बहुत ही टेस्टी है। आप चाहे तो इसको ड्राई, जो अभी आज हमने जो बनाई है ड्राई सब्जी बनाई है भिंडी की, तो यदि आप चाहे तो इसको ग्रेवी में भी बना सकते हैं, तो ग्रेवी वाली सब्जी भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो ड्राई सब्जी है, स्टफ्ड सब्जी है भिंडी की, इसको इस प्लेटिंग करते समय थोड़ा सा हमने ड्राई चटनी और थोड़ा कोकोनट के साथ में, और फिर हमने रख दिया है हमारी स्टफ्ड भिंडी को, तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है और साथ में ही बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टफ्ड भिंडी है इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और कैसी बनी इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें, और मेरे चैनल शाकाहार सदाबहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय जिनेंद्र।